जय श्री राम। आज की हमारी कहानी है कि प्रभु की प्राप्ति किसे होती है। कहानी को शुरू करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, प्रभु की प्राप्ति किसे होती है। एक राजा था, वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और उनको याद करता था। एक दिन इष्ट देव ने उसे प्रसन्न होकर दर्शन दिए तथा कहा, राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार के सुख और शांति है, फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपया कर दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। उन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ एक लोग तांबे के सिक्कों की ओर भागने लगे और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बची हुई प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को अपनी गठरी में रखकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, चांदी के इतने सारे सिक्के फिर कभी मिले या ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में से बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की ही तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे कि देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है, रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वे दोनों आगे बढ़ने लगे। उस दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से भी नहीं रहा गया, हीरो के आकर्षण से वह भी उस ओर दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा
अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ही ग्लानी और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। भगवान वहां सचमुच खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानी से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। सार, जो जीव अपने मन बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और सर्वलौकिक संबंधों को छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान के प्रिय बनते हैं। जय श्री राम।